और मुझे नहीं पता आगे क्या है, बस मैं ऐसे ही जा रहा हूँ आगे देखने के लिए कि आगे देखते हैं क्या कुछ देखने को मिलता है। हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं अपने घर से लगभग 2 किलोमीटर दूरी पे आया हूँ अभी, और आज मैं आप लोगों के साथ एक स्पेशल सी जगह शेयर करने वाला हूँ। आप मेरे पीछे जैसा देख सकते हैं, दूर दूर तक आपको खेत नज़र आ रहे होंगे, और ये वो जगह है जो कि यमुना रिवर के बहुत पास वाली जगह है, और ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल लैंड है और यहाँ पर बहुत सारी सब्जियों की खेती होती है। मैं आपको थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड बताऊँ तो जो विकास नगर शहर है जहाँ पर हम रहते हैं, देहरादून से लगभग 40 किलोमीटर दूर ये शहर बसा हुआ है यमुना रिवर के बिल्कुल किनारे पे। और जो ये यमुना रिवर के पास वाली जगह है ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, और एक टाइम पे यमुना रिवर यहाँ से बहुत पास से यहीं कहीं से बहा करती थी। और मैं आपको अभी रिवर के पास तक लेके जाऊँगा और आपको दिखाऊँगा पास से बिल्कुल यमुना रिवर। और ये जगह पर बहुत सारी सब्जियों की खेती होती है, और इस एरिया का काफ़ी सारा सब्जियों का जो रिक्वायरमेंट है वो ये इस जगह से ही पूरा होता है। तो अभी आगे चलते हैं और आगे जाके देखते हैं कि कौन कौन सी यहाँ पे मुझे सब्जियाँ देखने को मिलती हैं, और नदी के बिल्कुल पास तक जाएंगे यमुना रिवर के, और आपको यमुना रिवर के भी दर्शन कराएंगे अभी। तो गाइस अभी मैं आगे की तरफ जा रहा था, मुझे साइड में ये बहुत खूबसूरत खेत दिखा है, और यहाँ पे देखिए कितनी प्यारी बंद गोभी हुई हुई है, और कितना बड़ा खेत है और चारों तरफ बंद गोभी लगी हुई है। ये देखिए आपको पास से दिखाता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल फ्रेश, और यहीं से ये आगे मंडी में सप्लाई होगी जब ये पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। और यहाँ पर एक भैया हैं जिनका ये खेत है शायद, और ये पानी लगा रहे हैं अभी। यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको पानी कैसे लगाया जाता है। ये देखिए ऐसे लगाया जाता है, पानी उधर से आ रहा है, ये वहाँ पर शायद ट्यूबवेल होगी, ट्यूबवेल से वहाँ से पानी आ रहा है, और इसको धीरे धीरे भैया फ्लो इसका हर एक क्यारी में लगा रहे हैं जिससे ज़्यादा भी ना जाए और कम भी ना, पूरा पानी सभी गोभी में जाए। और उधर पूरे लास्ट तक पूरा बंद गोभी लगी हुई है। कितना टाइम लगता है भैया इसको पूरा कंप्लीट होने में? 4 महीने लगते हैं पूरा कंप्लीट होने में। और आगे छोड़ दिए भैया ने पानी, अब उस वाली क्यारी में जाएगा। पूरा सिस्टम बनाया हुआ, यहाँ से ब्लॉक किया हुआ, अब उसमें जाएगा, फिर जब उसमें पूरा हो जाएगा तो यहाँ से खोल देंगे इसको, और फिर आगे वाली क्यारी में जाएगा ये पानी। अभी कंप्लीट कौन सी वाली है इसमें जो कंप्लीट होगी, जो तोड़ने के लिए रेडी है? अच्छा ये वाली कंप्लीट है तोड़ने के लिए, ये वाली अब रेडी है। कब तोड़ी जाएगी? भाई 2-4 दिन में। 2-4 दिन में? और यहाँ से विकास नगर वाली मंडी में आप सप्लाई कर? अच्छा लोकल मंडी में आप यहाँ से सप्लाई करोगे, बहुत बढ़िया है। और कौन सी सब्जी लगाते हो आप? सारी सब्जियाँ लगा हुए फिलहाल तो। अच्छा फिलहाल सारी। और कहाँ पे आपके खेत? अच्छा वहाँ पे क्या सब्जियाँ लगी हुई है? बैंगन है। अच्छा धनिया और बैंगन वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे पहले भी नदी हुआ करती थी क्या इधर तक पास तक पल्ली तरफ ना? मतलब ऐसा बोलते हैं पहले काफ़ी था, मतलब इधर तक भी थी ये। अच्छा ये सब नदी में था? नदी में था। अच्छा धीरे धीरे पानी कम होता गया तो पीछे चलती गई नदी, इसीलिए शायद यहाँ पे इतनी ज़्यादा उपजाऊ है ज़मीन ना नदी की वजह से ना। नदी को ढूंढते ढूंढते हम लास्ट तक आ गया मैं, और लास्ट में आके मुझे कुछ अलग ही दिख रहा है नज़ारा। यहाँ पे एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कंस्ट्रक्शन चल रहा है यहाँ पे, और ये ब्रिज बन रहा है यमुना रिवर के ऊपर जो इस पार से उस पार जाएगा, और बहुत बड़े लेवल पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है जैसा मैं देख रहा हूँ। और पहले जब यहाँ पर यमुना रिवर का फ्लो काफ़ी तेज़ हुआ करता था आज से काफ़ी साल पहले, तो यहाँ से लेकर इस जगह से उस जगह जाने के लिए, उस पार जाने के लिए नाव का यूज़ किया जाता, बोट का यूज़ किया जाता था। और जो बोट अभी कुछ साल पहले तक यहाँ पर ही खड़ी रहती थी, पुरानी जो बोट्स थी, और अभी भी बरसात के टाइम पे बोट्स का यूज़ किया जाता है उस पार जाने के लिए, और इस जगह को नौघाट भी बोला जाता है। तो अभी मैं आगे चलता हूँ आपको, और देखते हैं अगर यमुना रिवर हम देख पाएँ पास से। और जैसा आप देख सकते हैं सामने, ये सब यमुना रिवर का पानी इधर से अंडरग्राउंड नीचे से निकाल दिया गया है, और यहाँ से पार करने के लिए रोड बनाई गई है, और इधर से आ रही है यमुना रिवर हमारी, और इसके नीचे से पानी निकल के इधर से जा रहा है, थोड़ा पानी उधर की
उधर साइड से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उधर की साइड से निकल रहा है, इससे अलग अलग जगह से पानी जा रहा है। और कुछ इस तरह से है नज़ारा अभी सामने, आप जो देख रहे हैं यमुना रिवर का पानी है, और ये पूरी जगह देखिए कितनी खुली जगह है। सोचिए, इमेजिन करिए, कभी इस पूरी जगह पर यमुना रिवर फ्लो करा करती थी इस पूरे एरिया में, और यहाँ से लेकर पूरा पानी होता होगा, और इस पार से उस पार जाने में कितनी मुश्किल हुआ करती होगी। और वो खैर दूसरी बात है, पार करने वाली बात, लेकिन कितना पानी हुआ करता होगा और कितनी खूबसूरती हुआ करती होगी उस टाइम, मतलब ये हम सिर्फ अब इमेजिन कर सकते हैं, क्योंकि अब ऐसा होने तो वाला नहीं है दोबारा से। और अब यहाँ पर एक ब्रिज का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जो कि इस पार से उस पार जाने के लिए यूज़ हुआ करेगा, और ये लगभग 500 मीटर के आसपास का पुल यहाँ पर बन रहा है, उसकी जो लेंथ होगी, काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है। यमुना के उस पार है उत्तराखंड, जहाँ से मैं अभी आया हूँ, और यमुना के इस पार है हिमाचल प्रदेश। दोनों स्टेट्स को यमुना रिवर यहाँ पर अलग अलग कर रही है। और जो भी आपके सामने है अभी आपको यमुना हम आए तो थे यमुना रिवर को देखने पास से, बट चारों तरफ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बट फिर भी हमने यमुना रिवर को ढूंढ लिया और थोड़ा टाइम स्पेंड किया रिवर के पास बैठ के, और काफ़ी मज़ा आया। पीछे सनसेट हो रहा है, जो कि हम कभी मिस करते नहीं हैं और किसी को भी नहीं करना चाहिए, और बहुत ही खूबसूरत जगह। और यहाँ पर चारों तरफ जहाँ तक नज़र जा रही है इधर की तरफ, पूरे में गेहूं लगी हुई है। अभी मैं शहर से, अपनी सिटी से सिर्फ 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पे हूँ, और यहाँ पर पूरा का पूरा माहौल बदल गया है। ऐसा लग रहा है जैसे ये, मतलब ये पूरा एक गांव वाला एरिया है, और यहाँ आके एक अलग ही सुकून मिल रहा है, और बिल्कुल शोर शराबे से दूर एक अलग ही दुनिया है ये। सब कुछ ऑर्गेनिक दिख रहा है चारों तरफ, और अगर 2 किलोमीटर आप दूर सिटी की तरफ जाएंगे तो आपको वही सब पॉल्यूशन, गाड़ियाँ, शोर शराबा देखने को मिलेगा। सामने सनसेट हो रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। इधर पूरा गांव वाला ये एरिया है, सिर्फ 2 किलोमीटर में इतना ज़्यादा डिफरेंस आ गया है, और मुझे नहीं पता आगे क्या है, बस मैं ऐसे ही जा रहा हूँ आगे देखने के लिए, कि आगे देखते हैं क्या कुछ देखने को मिलता है। इधर पूरे आम के पेड़ लगे हुए हैं, आम और लीची के। फाइनली इस जगह पे मैं पहुंचा हूँ, यहाँ पे आके होती है रोड एंड, इसके आगे कोई रोड नहीं है। चारों तरफ एकदम शांति, और इधर ये गेहूं लगी हुई है, ये देखिए गेहूं की खेती यहाँ पर हुई हुई है, और सामने उधर की साइड है यमुना रिवर, इधर से यमुना रिवर फ्लो करती है साइड से पूरा, और ये पूरा नदी के किनारे वाला एरिया है, इसीलिए इतना फर्टाइल है। और सामने वो देखिए सनसेट हो रहा है बहुत खूबसूरत, पेड़ों के पीछे से, जो कि बहुत सुंदर लग रहा है यहाँ से देखने में। और ये बीन्स लगी हुई हैं दूर दूर तक, कोई बीन्स है, ये राजमा है या लोबिया है ये मुझे नहीं पता कौन सी वाली बीन है, बट ये कोई बीन्स है, जैसे इसके पत्ते देख के मुझे पता लग रहा है। और दूर दूर तक यहाँ पर पूरे खेत में ये लगी हुई हैं, पास से मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ ऐसा है पेड़। अगर ये कुछ और है, किसी को पता है ये क्या है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये है पास से। ये था आज के व्लॉग में, और इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगा। और मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी इस व्लॉग में यमुना रिवर की इम्पोर्टेंस, जो कि हमारे लिए, जो हम सबसे पास में विकास नगर है उनके लिए कितनी है, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बताने की कोशिश करी, और यहाँ की आसपास की फर्टाइल लैंड, और यहाँ की जो यहाँ पर लोकल क्रॉप्स, जो खेती वगैरह सब्जी वगैरह रखती है, वो दिखाने की कोशिश करी। आई होप आप लोगों को ये देख के मज़ा आया होगा, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए, नई नई जगहों की वीडियोस देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर किसी नई जगह पर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।